ठीक है। राजगढ़ जिले में एक संत उत्तर प्रदेश के लालगंज में रहने वाले एक बच्चे को शिक्षा देने की बात कहते हुए बच्चे को घर से पहले इलाहाबाद, फिर चित्रकूट और अब राजगढ़ के आश्रम में लाया था, लेकिन जिस बच्चे को संत शिक्षा देने के लिए लाए थे उसके साथ अश्लील हरकतें करते थे। पिछले 40 दिनों से बच्चा उस संत के साथ रह रहा था, लेकिन मौका पाते ही वहां आश्रम से भाग गया और चाइल्ड लाइन के माध्यम से वहां थाने तक पहुंचा, जहां पुलिस बच्चे द्वारा बताई गई बातों के बाद संत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धारा पास्को एक्ट के तहत 323 IPC किशोर न्याय अधिनियम श्रम अधिनियम के तहत राजगढ़ कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित बच्चे के पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है, माँ भी उससे दूर रहती है। ऐसे में नाना के पास पल रहे लगभग 14 वर्ष के बालक को पढ़ाई करने के नाम पर राजगढ़ के पास मोर पिपली गाँव में अपना आश्रम बनाकर रह रहे एक संत लेकर आए। बताया जा रहा है कि वहाँ चित्रकूट गए थे, वहीं से बच्चे को लेकर आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद बच्चे से अश्लील हरकतें करने लगे। यहाँ सारी बातें बच्चे ने खुद खुलकर बताई, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित संतों को उठाकर थाने लेकर आई, जहां देर रात तक उससे पूछताछ होती रही। वहीं पुलिस ने बच्चे के कहे अनुसार संत के खिलाफ कार्रवाई भी की। बच्चे ने कई तरह के खुलासे भी किए हैं। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। चाइल्ड लाइन वालों को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई बाबा एक लड़के को लेके आए हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और अत्याचार करते हैं। चाइल्ड लाइन वालों ने उनको लड़के को रिकवर करके उससे काउंसलिंग की। काउंसलिंग दौरान उसने बताया कि मेरे साथ बाबा मारपीट करते हैं और गलत हरकत करते हैं, यदि मना करते हैं तो मारपीट करते हैं। तो इस पर से एक अपराध दर्ज किया थाने कोतवाली में और दोनों बाबाओं की हिरासत में लिया। किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया? धारा पास्को एक्ट के तहत 323 IPC किशोर न्याय अधिनियम और श्रम अधिनियम के तहत। सर, जो ये बाबा है कहाँ का रहने वाला है और बच्चे को कैसे लेकर आया है? ये मूलतः यूपी का रहने वाला है, लेकिन अभी ये यहीं पचोर में अपना आधार कार्ड वगैरह बना लिया है, काफ़ी 20-25 साल से रह रहा है यहाँ पे, और लड़का भी यूपी से लेके आया है। क्या बोलकर लाए थे घर वालों से? इसको ये बताया कि हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्योंकि लड़का का माँ बाप नहीं है ऐसा बताया गया है, और उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और उसकी गद्दी देंगे, ये सारा लेके आए थे उसको। और कोई मठाधीश वगैरह? हाँ, गद्दी में मतलब मठाधीश ही है। बाबा ने बोला था मठाधीश बना, बिल्कुल ऐसा लालच देकर बच्चे को लाए थे। हाँ, ये मामला मोर पीपली एक गांव है, उस गांव में बाबा सत्संग करने वाले थे, तो वहाँ उनके साथ में बाबा के साथ में एक बच्चा था जिसकी उम्र 13-14 साल की हो रही होगी, और उस बच्चे के द्वारा वहाँ आसपास के लोगों को वहाँ बताया गया था, ये बाबा के द्वारा उनके साथ बच्चे के साथ कुछ गलत कृत्य किया जाता है। चाइल्ड लाइन की टीम को हमारे राजगढ़ की चाइल्ड लाइन की टीम को जब ये पता चला, तो चाइल्ड लाइन की टीम वहाँ पर गई, हमारे द्वारा भेजी गई, और फिर बच्चे को लेकर के आए वहाँ से, और बाबा के खिलाफ़ FIR दर्ज की गई। बाबा को थाने में लाया गया और उसके बाद में अभी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, और उसके माध्यम से बाबा को जेल भेजा गया है और बच्चे को भी रेस्क्यू किया गया है। बच्चे के 164 के बयान न्यायालय में करवाए गए हैं, और बच्चा जो है उसके नाना के साथ रहता था, तो वहाँ भेजा जाएगा। बाबा इस बच्चे को कैसे लेकर आ रहे हैं? उनके नाना से संपर्क चाइल्ड लाइन के लोगों ने किया, तो उन्होंने बताया कि नाना ने किसी दूसरे, क्योंकि माता पिता नहीं है उस बालक के, तो किसी दूसरे व्यक्ति को के यहाँ भेजा था नाना ने, ताकि वो पढ़ाई लिखाई कराएंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने बाबा के साथ में इस बालक को भेज दिया था। बाबा कहाँ का है और नहीं, क्या? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं। बाबा के कुछ फोटो चाइल्ड लाइन के माध्यम से मेरे पास आए हैं। बाबा चांदी के सिंहासन पर, ऐसा बताया जा रहा है, 21 किलो का चांदी का सिंहासन है, उस पर बैठते थे बाबा, और भागवत कथा और कुछ पिंडी, शंकर जी की पिंडी बनवा करके कुछ धार्मिक क्रियाएं करवाते थे। हाँ, बाबा, बच्चे ने बताया है बाबा उनके साथ में कुछ अश्लील हरकतें करते थे।